सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बसंतोत्सव आवास ऋण योजना का शुभारंभ किया। बसंतोत्सव ऋण योजना की जानकारी देते हुए बैंक के फील्ड महाप्रबंधक एसडी माहुरकर ने बताया कि यह योजना 31 मार्च तक चलेगी, जिसमें प्रक्रिया शुल्क नहीं रखा गया है। इसके साथ ही न्यूनतम ब्याज दर के साथ लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए बसंतोत्सव आवास ऋण योजना निकाली है, जिसके तहत ग्राहक अपना घर लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। बैंक के फील्ड महाप्रबंधक एसडी माहुरकर ने बताया कि इस योजना के तहत लोगों को 8% की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध होगा, जिसमें कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं होगी। माहुरकर ने बताया कि लोन का लाभ कोई भी उठा सकता है। लोन अधिकतम 30 वर्ष के लिए रहेगा और 75 वर्ष की आयु के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही लोन की न्यूनतम ईएमआई 734 रुपये प्रति लाख होगी। माहुरकर ने बताया कि इसके अलावा बैंक और कई तरह जैसे व्यवसाय, शिक्षा, किसान और अन्य कार्यों के लिए आसान तरीके से लोन उपलब्ध कराता है। बसंतोत्सव योजना ये खास करके जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, इनके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 12 फरवरी से ये स्कीम लॉन्च किया हुआ है। ये स्कीम 31/3/2020 तक रहेगा और इसमें कई ऑफर हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि इसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं रहेगी, प्रोसेसिंग फ़ी नील रहेगी। इसमें न्यूनतम ब्याज दर इसमें दिया हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफर कर रही है 8% का। इसमें और भी कई अच्छी चीज़ें हैं, जो 30 साल तक का अपना रीपेमेंट इसमें दिया जाता है। और हम सेंट्रल बैंक चाहते हैं कि जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं वो ज़रूर सामने आए और इस बसंतोत्सव आवास ऋण योजना का लाभ उठाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।